प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे यहेजेकेल 37 अध्याय। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समुआ कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यों कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुम चमड़े से तुम्हें ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। वे ऊपर चमड़े से ढप गई परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हम देखते हैं यहेजेकेल, परमेश्वर का वो दास जो उस समय में इज़राइल के घराने की अवस्था देखकर दुखी था, परेशान था, क्योंकि इज़राइल का घराना परमेश्वर से दूर हो गया था और इज़राइल के लोग परमेश्वर से अपने मन में इतनी दूरी हो गई थी, उनके अंदर सामर्थ्य खत्म हो गई थी, ताकत खत्म हो गई थी, सूखी हड्डियों के समान वे हो गए थे और वो कहते थे कि हम तो परमेश्वर यहोवा से कट चुके हैं। इसी कारण परमेश्वर यहोवा ने यहेजेकेल को रात के समय दर्शन दिया और परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर हुई। यहोवा परमेश्वर की शक्ति कहता है मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समुआ कर, अपना आत्मा यहेजेकेल के अंदर समुआ कर यहोवा उसे बाहर ले गया और तराई के बीच में खड़ा कर दिया। और यहोवा ने उससे सवाल किया कि ये हड्डियां जो तराई में भरी पड़ी हैं, उन हड्डियों के विषय में यहोवा ने उससे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डी जी सकती हैं? लेकिन यहेजेकेल ने एक सुंदर जवाब दिया, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है।
ये एक सुंदर जवाब उसने दिया कि तू ही जानता है। लेकिन परमेश्वर अपने और यहजकेल के बीच में संबोधित करता है यहजकेल को। यहजकेल को क्या संबोधित करता है? हे मनुष्य के संतान, यहोवा कहता है, हे मनुष्य के संतान, मनुष्य से कहता है यहोवा सृष्टिकर्ता, क्या ये हड्डियां जी सकती है? उसने कहा, हे यहोवा तू ही जानता है। तब यहोवा ने कहा यहजकेल से, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, सूखी हड्डियां, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। देखो यहां वचन क्या कह रहा है। सूखी हड्डी को बोलता है कि वचन सुनो। अब देखो सूखी हड्डी के कोई ऐसा तो है नहीं कि वो मनुष्य है, उसके हाथ पांव है या मस्तक है या कान है या एक दिल है या इमोशनल्स है, फीलिंग्स है, क्या है? सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहजकेल से, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, सुनो सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। तो हमें देखना है परमेश्वर का बोलना, परमेश्वर का आत्मा का देखना, परमेश्वर का नजरिया कैसा है, यहोवा परमेश्वर का नजरिया कैसा है, उन सूखी हड्डियों को कैसे बात करने के लिए मनुष्य के पुत्र को बोलता है यहजकेल को, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है। तुम कैसे एकदम से डायरेक्ट उनसे सीधे वचन पहुंच रहा है। देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। बहुत सारी हड्डियां हैं, सबसे बोला है। तो हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर का संबोधन एक सूखी हड्डी जिसमें कुछ भी नहीं है उसको ऐसे देखता है जैसे किसी मनुष्य को देखता हो परमेश्वर। इसीलिए उस सूखी हड्डी की जितनी कमी घटी है उसको इन भविष्यवाणियों के द्वारा पूरा कर रहा है, भविष्यवाणी करवा रहा है अपने दास से। देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी। उनको बोल रहा है संदेश, तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। देख लो हड्डी भी वचन सुनती है। परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, मेरी हड्डी हड्डी परमेश्वर आपके वचनों को सुने और मेरी हड्डियों के अंदर तेरा वचन पहुंचे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। सूखी हड्डियां जान लेगी, पहचान लेगी यहोवा को, यहोवा को पहचान लेगी। तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं, मतलब यहोवा का जो परिचय है सूखी हड्डी से यहोवा बातें करता है भविष्यवाणी के थ्रू। यहजकेल के द्वारा परमेश्वर उन सूखी हड्डियों में क्या रुचि रखता है सोच के देखो। इंसान है क्या? इंसान क्या करता है? इंसान तो मुर्दे को जला देता है और उसकी हड्डियों को फेंक देता है, लेकिन परमेश्वर हड्डियों को जोड़ देता है, मांस चढ़ा देता है, सांस उनके अंदर आ जाती है, एक सेना के रूप में खड़ा कर देता है।
इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक आहट आई, भुईडोल हुआ, हड्डियां हड्डी से जुड़ गई। जब परमेश्वर कुछ काम करता तो आहट आती है, भूकंप आते हैं। और संसार में, मानवीय जीवन में देखो, कोई भूकंप आए तो क्या होता है, बिल्डिंगें गिरती है, नुकसान होता है, बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, सारी घमंड वाली बातें दूर हो जाती हैं, तमाम संसार की वो दिखावटी बातें दूर हो जाती हैं, हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है। अब जैसे ये बीमारी आई विश्व में कोरोना की, इसमें बहुत लोगों को परमेश्वर ने झुकाया, नम्र किया, एक दूसरे से मेल कराया। तो बहुत सी बातें हैं, जब आहट आती है, भुईडोल होता है तो हड्डी हड्डी से जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस ना थी। तब उसने, यहोवा ने कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठें। तो घात करने वाला कौन है? चोर का काम चोरी करना, नाश करना, घात करना। तो चोर ने नाश किया, लेकिन परमेश्वर की दया ऐसी है, कहता घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। तो परमेश्वर जानता है, जब शैतान किसी को घात करता है तो परमेश्वर जानता है, उसको घात किए हुए के ऊपर तरस खाता है। जैसे नए नियम में सामरी ने उस राहगीर को अपनी सवारी पे उठा के पहुंचाया था सराय में इलाज के लिए, लोगों ने, डाकुओं ने हमला किया था और उसको अधमरा छोड़ दिया था। तो घात किए हुए के ऊपर यहोवा तरस खाने वाला है। उन घात किए हुए में सांस आ गई। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, सांस उनमें आ गई, जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। अब सेना को देखो, सेना में जब कोई भर्ती होता है तो वो कैसे ताकतवर व्यक्ति को चुनते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप और लंबाई, उसका सीना सब मापते हैं, स्टैमिना देखते हैं, दौड़ कराते हैं। परमेश्वर की सेना तो इस पृथ्वी की सेना से कहीं ज्यादा बलवान है। परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों को एक सेना के रूप में तैयार कर दिया। उसके बाद में यहोवा क्या कहता है, 11 वचन में, यहेजकेल 37, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आस आ जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। ये लोग हताश हो गए थे, निराशा में थे, ये अपने आप को कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, इजराइल के लोग, आशा नहीं है उनके पास, कहते हैं पूरी रीति से कट चुके हैं। यहोवा इन लोगों के पास, इजराइल के घराने के पास, यहेजकेल को लेकर जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक सच्चाई उसके ऊपर प्रकट करते हैं, हड्डियों वाली सेना वाली। तो इसमें देखते हैं कि इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर
तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। कब्रें क्या हैं? मरे हुए काम शरीर के, जिनके अंदर तुम दबे हुए हो, अपराध बोध, पुराने पाप, कब्र के समान, जिनके कारण तुम कट गए, जिनके कारण तुम घात किए गए थे, तुम्हें तुम्हारी कब्र में से निकाल लूंगा, इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। देख लो यहोवा का प्यार कैसा है। सूखी हड्डियों में से उदाहरण देकर वो एक हकीकत स्थिति हो सकती है। वो सूखी हड्डियों वाली जो सेना तैयार हुई है, वो वहां दर्शन नहीं लिखा है, वहां लिखा कि आत्मा समाया और तराई में लेके गया। हो सकता है ये हकीकत घटना घटी है, दर्शन अलग होता है, हकीकत है। तो एक सेना परमेश्वर ने बनाई पृथ्वी पे सूखी हड्डियों से तराई में, और इजराइल के लोगों के पास यहेजकेल को ले गया। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा ने यह कहा और किया भी है। ऐसा नहीं है यहोवा मुंह से बोल दे और ना करे, जो उसने कहा है वो किया भी है। तो जितनी भी इसमें पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञाएं हैं जो यहोवा ने बोली है, यहोवा ने जो किया है, जो कहा है, वो किया भी है। धन्यवाद परमेश्वर का इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जितने लोग आशाहीन हो गए हैं, वो कट गए हैं परमेश्वर से और कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, दया कर। यहोवा यीशु का लहू और यीशु के नाम में परमेश्वर शरण लेता हूं, और यहोवा पिता परमेश्वर आपकी सहायता से प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए पिता, ऐसे लोगों पर दया कर, तरस खा। और परमेश्वर उन सूखे हड्डियों को जैसे जिलाया, ऐसे ही चमत्कार कर प्रभु इनके जीवनों में, जो जिनकी आशा जाती रही, जो कहते हम तो कट चुके हैं परमेश्वर से, उन लोगों को उनके निज भाग में पहुंचा प्रभु, इजराइल को उसके देश में पहुंचा दे प्रभु, और अपनी पवित्र आत्मा को भेज प्रभु, और प्रभु एक नई आशा, एक परमेश्वर नया जीवन, उनके हड्डी नसें मांस नया होने के लिए धन्यवाद, उनके जीवन उनके शरीर फिर से नए तैयार होने के लिए धन्यवाद, फिर से एक सेना के रूप में उनका जीवन बनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन।